अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। 3 कृषि कानून को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने में लगे किसानों के साथ ही मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी लगातार हमलावर हैं। अब उनका ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में 600 लोगों ने जान गंवाई है लेकिन लोकसभा में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब किसान भाजपा की प्रदेश व केंद्र सरकार को परेशानी में डाले हुए हैं। आज मेरठ पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि सरकार किसी पार्टी की होती तो किसानों की जरूर सुनती। सरकार को कुछ कंपनियां चला रही हैं, ये कंपनियां भी सुनेंगी, बस थोड़ी देर लग सकती है, सुनना तो पड़ेगा ही। कब तक आंदोलन चलेगा इसका सीधा जवाब न देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, यदि सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन क्यों नहीं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। इस बीच मेरठ ईवी चौराहा स्थित सुधांशु रत्न केंद्र पहुंचे राकेश टिकैत ने मीडिया से वार्ता के दौरान यह कहा, आने वाले चुनाव जिस तरह से विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, हमारा चुनाव महंगाई के उससे इनसे जनता तंग तो है। आपका समर्थन किस पार्टी की तरफ है? हमारा किसी को समर्थन नहीं, अपना भाई हमारे भरोसा कोई नहीं, अपना उत्पाद अपने आप ही करो। क्या लगता है आंदोलन जो चल रहा है क्या सरकार आपकी बात मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है? देखो, सरकार अगर पार्टी की होती किसी की तो जरूर बात मान लेते। सरकार पार्टी की नहीं, सरकार बड़ी कंपनियों की है तो कंपनी की सरकार बड़ी लेट मान देगी, मान देगी तो थोड़ी सी लेट मान देगी। बाहर भी आपने एक बयान दिया राम मंदिर को लेकर। हाँ, राम मंदिर को लेकर आपने एक बयान दिया। राम मंदिर में निर्माण अभी धीरे धीरे चलेगा, भारतीय से वोट की तलाश होगी और 2023 में दीपावली राम मंदिर पे बनेगी, फिर वहां से वोट का जयकारा का नारा लगेगा, ये होगा। मंदिर बढ़ सकता है अभी भी, जल्दी भी। पहले तो ये कहते थे कि हमें 8 दिन का टाइम मिल जाए, पिलर बने रखे और हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, वो धीरे धीरे चलेगा। राम मंदिर से वोट की तलाश होगी, हर दिए से वोट तलाशी कर जाएगी। 2023 में दीपावली से पहले राम मंदिर बनकर तैयार होगा, उस पर पूजन होगा, फिर वहां से ही शंखनाद दिए उसका करेंगे, हमने मंदिर बनवा दिया, ये होगा। आंदोलन कब तक चलेगा सर? आंदोलन भाई, सरकार अगर 5 साल चल सकती है तो आंदोलन 5 साल चल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट।